हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। सो एसएसटी का हम स्टार्ट करेंगे एट्थ चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, यानी इंडिया को जब मिली थी क्या फ्रीडम, यानी आजादी। लेट्स बिगिन में आपको क्या दिया है, डिस्कस करना है ये क्वेश्चन, व्हाई डू वी होस्ट द इंडियन फ्लैग, सिंग नेशनल एंथम एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। क्या बोल रहे हैं कि हम हर साल झंडा क्यों लहराते हैं, नेशनल एंथम क्यों गाते हैं और स्वीट्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 15 अगस्त को? तो क्यों करते हैं, क्योंकि आज के दिन हमें आजादी मिली थी, है ना। 15 अगस्त को हमें क्या मिली थी, आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। जो अंग्रेज थे वो हमारा इंडिया छोड़कर चले गए थे। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू रिमेन फ्री, फ्री रहना यानी आजाद रहना कंट्री के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किए थे, तो उन्होंने क्या किए थे, जो हमारे हक थे, जो हमारे राइट थे, वो हमसे सब ले लिए थे। ना हम अपनी मर्जी से रह सकते थे, ना काम कर सकते थे, हमें उनके लिए काम करना पड़ता था। और उसके बाद भी वो अपने साथ यानी इंडियंस के साथ अच्छे से नहीं रहते थे। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हम फ्री हों, आजाद हों, ताकि हम अपने फैसले खुद ले सकें, अपने हिसाब से यहां रह सकें, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज योर रीड द पेजेस फ्रॉम द डायरी ऑफ सुंदर एंड इंडियन सिटीजन एंड क्विकली रिवाइज द कॉज एंड एफर्ट्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये 1857 क्यों हुआ था, है ना, जो फर्स्ट वॉर हुआ था हमारा इंडिपेंडेंस के लिए, वो 1857 में क्यों हुआ था, तो अभी हम पढ़ते हैं। मंडे 2 अगस्त 1858, ये लिखा हुआ कब का है, ये एक मतलब डायरी से लिया गया है, सुंदर नाम के एक पर्सन की डायरी से, जो इंडिया का एक सिटीजन था जिसने ये लिखा था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज प्रूव टू द वर्ल्ड दैट इंडियंस वुड नॉट टॉलरेट द क्रूएलिटी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एनी फर्दर। द कंपनी हैज बीन इल ट्रीटिंग इंडियंस फॉर पास्ट मेनी डिकेड्स। जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसने ये प्रूव किया कि जो अब इंडियंस हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जाति है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। वो जो है बहुत समय से इंडियंस को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते आ रहे हैं। दे स्टॉप द फार्मर्स फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन बंगाल ड्यू टू एक्सट्रीम हंगर, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन हु लॉस्ट देयर वर्क वॉज नो बेटर। उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स के साथ क्या किया, उन्हें फार्मिंग करने से यानी खेती किसानी करने से रोक दिया, अनाज उगाने से मना कर दिया। बहुत लोग बंगाल में भूख के कारण मर गए, है ना, और बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे वर्कर्स क्राफ्टमैन जिनके काम छूटे, अब उनके पास में कुछ भी करने के लिए नहीं है ना। अवर सपोज वर मेड टू वर्क ऑन लोअर रैंक्स एट वेरी लेस सैलरी, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी क्लेवरली ब्रॉट द किंगडम ऑफ सो मेनी इंडियन रूलर्स अंडर देम। द सेक्रीफाइस ऑफ मंगल पांडे, रानी ऑफ झांसी एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स हैज नॉट गॉन वेस्ट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रियलाइज दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज नॉट केपेबल ऑफ मैनेजिंग इंडिया। टूडे द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया has come to an end. Now India is under the direct rule of Queen Victoria of England. क्या बोल रहा है ये कि हमारे जो सिपोज यानी कि हमारे जो सैनिक थे, इंडियन सैनिक्स, उन लोगों का क्या था कि उन्हें बहुत कम सैलरी में काम करने पे मजबूर किया जा रहा था। जो मतलब कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने बहुत ही चतुराई से बहुत से राज्यों में कब्जा कर लिया था। और जो सेक्रीफाइस यानी झांसी की रानी, मंगल पांडे और जो दूसरे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, अब उनका जो यानी बलिदान है वो व्यर्थ नहीं गया है, वो वेस्ट में नहीं गया है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल नहीं कर सकती और अब इंडिया जो है वो डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया के अंडर आ गया। आई होप दैट शी विल वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द बैड कंडीशन ऑफ इंडियंस स्पेशली द पुअर। क्या बोल रहा है कि अब मुझे ये आशा है कि जो क्वीन विक्टोरिया हैं वो हमारे जो बुरे हालात हैं उन पे थोड़ा ध्यान देंगी और जो यहाँ गरीबी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनके तरफ वो थोड़ा सा ध्यान देंगी। यहाँ क्या लिखा है, सुंदर जिसकी डायरी से ये पार्ट लिया गया है, ये जो लेसन है, जो ये पार्ट लिया गया है स्पीच का, ये उनकी डायरी से था। ठीक है, अब आप लोग आ जाइए अपने लेसन पे। द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1905।
द इंडियन स्ट्रगल ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री फेजेस. इंडिया का जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था उसे तीन फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है. द मॉडरेट फेज 1885 to 905 CE, द एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 to 1919 CE एंड द गांधियन फेज 1919 to 1947 CE. द फर्स्ट फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल दैट इज द मॉडरेट फेज बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC. जो पहला फेज था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का मॉडरेट फेज, वो शुरू हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से. फैक्टर दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ INC, वो वजह जिनके कारण INC जो है यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी. इन स्पाइट ऑफ इट्स फेलियर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यूनाइटेड द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डेवलप स्ट्रांग फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म इन दैम. देखो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल जरूर हुआ था, लेकिन उसने लोगों को, इंडिया के लोगों को साथ में ला दिया था और उन्हें उनमें क्या देशभक्ति की जो भावना थी, जो नेशनलिज्म था, वो काफी ज्यादा उनपे बढ़ गया था, है ना. सम इंडियन रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट द ब्रिटिश कुड रूल ओवर इंडिया बिकॉज द इंडियंस नेवर यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट देम. ऑल्सो अवर सोसाइटी वॉज बैकवर्ड एज मैनी इंडियंस वर अनएजुकेटेड एंड मैनी बैड प्रैक्टिसेस सच एज द कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिजेस वर प्रेजेंट इन द इंडियन सोसाइटी. दीज रिफॉर्मर्स इनकरेज पीपल टू एजुकेट themselves एंड ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वली. क्या बोल रहा है कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने, उन्हें ये लग रहा था कि कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे इंडिया के, इंडियन रिफॉर्मर्स थे, इंडिया के लोग थे जो ये देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया पे रूल कर सकते हैं क्योंकि इंडिया एक होकर कभी उनके खिलाफ लड़ नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो काफी बैकवर्ड सोच की थी, वहां अनएजुकेटेड लोग थे, काफी बुरी चीजें होती थी, माने जैसे कास्ट सिस्टम था, चाइल्ड मैरिजेस थी जो कि इंडियन सोसाइटी में उस समय प्रेजेंट था, है ना. तो जो रिफॉर्मर्स थे वो लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि आप लोग पढ़ें लिखें और सारे इंडियंस को इक्वली ट्रीट करें, जब आप एक साथ आएंगे तब हम अंग्रेजों से आजादी मिल पाएगी. द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इन 1835 CE, द पोस्टल सर्विस इन 1837 CE एंड रेलवेज इन 1853 CE. रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश हेल्प इंडियंस टू लर्न हाउ अदर कंट्रीज सच एज द USA फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. दे कुड ऑल्सो ट्रेवल बाय ट्रेन और सेंड मैसेजेस बाय पोस्ट टू टेल अदर अबाउट द नीड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड मेक इंडिया फ्री. क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने फिर 1835 में एजुकेशन सिस्टम जो था वो इंडिया में स्टार्ट किया. पोस्टल सर्विसेज यानी कि जो चिट्ठी लिखी जाती है ना, वो 1837 में शुरू की और रेलवे सर्विसेज 1853 में उनने शुरू करी ब्रिटिशर्स ने. फिर क्या हुआ, बुक्स पढ़ के, न्यूज़पेपर्स पढ़ के इंग्लिश में इंडियन लोगों को ये बहुत हेल्प हो रही थी क्योंकि उन्हें जानने में मिल रहा था कि कैसे USA ने और बहुत जगह उन्हें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े और अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करी, है ना. तो इसके थ्रू वो काफ़ी हेल्प मिल रही थी अपने स्ट्रगल के लिए. उन्हें वो मैसेज कर पा रहे थे, ट्रेन से ट्रेवल कर पा रहे थे दूसरी जगहों पे और लोगों को यानी अपने साथ कर पा रहे थे, तो इससे उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही थी इंडिया को फ्री बनाने के लिए. इन 1880 CE नियरली 478 न्यूज़पेपर्स वर बीइंग पब्लिश्ड एंड मोस्ट ऑफ द देम वर इन इंडियन लैंग्वेज. 1880 CE में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो निकले. 1880 में लगभग 478 पेपर्स जो थे वो निकले, वो भी इंडियन लैंग्वेज में, है ना. दीज न्यूज़पेपर रिपोर्टेड द क्रूअल वेज इन विच द ब्रिटिश ट्रीटेड इंडियंस. इंडियंस क्रिटिसाइज द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड फॉर्म्ड मैनी ऑर्गेनाइजेशन. और फिर इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर थे उनमें ये सच्चाई बताई गई थी कि ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ कैसे बुरा व्यवहार करते हैं और इंडियंस ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत माने और बहुत सारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए. बर्थ ऑफ INC यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना. ऑल दीज फैक्टर्स सून लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC. और यही सब वजहों के कारण INC बनी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी. द
INC was formed in 1885 CE at Mumbai by a retired British officer Alan Octavian Hume. 1885 में मुंबई में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और इसको बनाने वाले खुद एक ब्रिटिश ऑफिसर थे एलन ऑक्टेव ह्यूम. SN बैनर्जी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड मैनी अदर एजुकेटेड इंडियंस बिकम इट्स मेंबर. और ये सारे जो थे इसके मेंबर बने. इट वॉज फॉर्म टू ब्रिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस टू द ब्रिटिश एंड टू प्रमोट नेशनल यूनिटी. ये बनाई गई थी ताकि अपनी जो दिक्कतें हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखी जाए और जो हमारी यूनिटी है, हमारी जो एकता है उसे दिखाई जाए. द लीडर्स ऑफ द INC बिलीव्ड इन द फेयरनेस ऑफ द ब्रिटिश एंड ट्राइड टू गेट द कंप्लेन्ट्स ऑफ द इंडियन सॉल्व बाय राइटिंग एप्लीकेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि अच्छे से यानी बिना किसी लड़ाई झगड़े के चीजें सॉल्व हो, तो वो अपनी कंप्लेंट्स क्या करते थे, एप्लीकेशंस के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिख रहे थे. द लीडर ऑफ INC ट्राई टू प्रमोट नेशनल यूनिटी बाय गिविंग स्पीचेस एंड राइटिंग आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर. और वो अपनी यूनिटी कैसे प्रमोट कर रहे थे, आर्टिकल्स लिख के स्पीचेस देखे न्यूज़पेपर में. ठीक है. Due to the soft stand taken by the leaders of INC, the years from 1885 to 1905 CE are said to be the years of the moderate phase. और इसीलिए क्योंकि यहाँ बहुत आराम से बहुत ज्यादा पीसफुली काम हो रहा था 1885 से 1905 तक के बीच में, इसीलिए इस फेज का नाम रखा गया क्या, मॉडरेट फेज. अब आएंगे आप लोग अपने लेट्स ट्राई वन पे. तो आपको ये टेबल था जिसे कंप्लीट करना था. इवेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, तो उसी से शुरू करे थे. ए क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स लीड टू द इवेंट, किन किन वजहों से नेशनल यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी. तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कारण जो पढ़ाई लिखाई के लिए लोगों को इक्वालिटी समझाने के लिए, एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए और फ्रीडम लाने के लिए ये जो इवेंट था ये बना. ये कब शुरू हुआ, 1885 में. कहाँ पे ये हुआ था यानी कहाँ बनी थी ये, तो मुंबई में बनी थी. फाउंडर कौन थे इसके, AO ह्यूम, और मेन लीडर्स कौन कौन थे, SN बैनर्जी, दाता भाई नारोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले. और हाउ डिड द लीडर्स ट्राई टू अचीव द एम, लीडर्स कैसे अपना काम कर रहे थे, तो वो एप्लीकेशन लिखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, स्पीचेस दे रहे थे और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दे रहे थे. ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग अपना काम कर रहे थे. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है. इसके आगे जो वर्क है हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से. टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.